को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याण कामी गीता अनुजाई देवियो बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, एक के बाद एक हम लोग अत्यंत कल्याणकारी एवं क्रांतिकारी विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बहुत ही कृतज्ञ है हम अपने भगवान के, बहुत कृतज्ञ। घोर कलयुग में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपको मेरे प्रभु परलोक बनाने का पूरा अवसर दे रहे हैं। फिर कभी मेरे भगवान ने चाह तो बताऊंगा पूरा क्या होता। वैसे इशारा करूंगा मनसा वाचा कर्मणा। प्रभु आपको मौका दिए जा रहे हैं पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से, आपको शुभ अवसर मेरे प्रभु प्रदान कर रहे हैं। प्रभु से मेरी बार बार प्रार्थना और प्रार्थना रहेगी अपनाने का भी एक लगन लग जाया, ये भी मौका प्रभु दे के अपनाने के लगन कि मैंने अपनाना है जीवन में ढाल लेना है। तो 13वें अध्याय का 2 दिन में हम लोगों ने इस क्रांतिकारी फरमान पर विचार किया कि संसार में अगर थोड़ा बहुत तो सुख है, माँ बाप के मिलन का, बहन भाई का, भाई भाई का, पति पत्नी का बहुत सुख आपस में, मित्र दोस्त का, धन का, सेहत का, ये सुख मान लिया जाए है, लेकिन ये जो लुटेरे बने हैं ये लूट लेती है। जन्म मौत बुढ़ापा नाना प्रकार के रोग ये वियोग ये थोड़े बहुत ही सुख को लूट, फिर क्या सुख कह रह गया। अभी हम खुशी ले रही होती हैं माता पिता जी से तो माँ जी गए या पिता जी गए, अभी हम सुख बहनों भाइयों से ले होती हैं इनकी शादी हो जाती है और हम मुंह देखते रह जाते हैं कि ये बहन कितना लाभ पहुंचा रही थी हमें, वो रोते हुए अपने घर जाती है, हम रोते हुए दलीस के बाहर ही नहीं कर सकते। कई दिन हमारी अवस्था कैसी असाधारण या असामान्य बन जाती है। भाई भाई सुख पा रहे होती हैं तो पता नहीं आप आके क्या कर देती हो, भाभी बन के आई, हाँ पता नहीं क्या भांबड़ मचाई, भाभी बन के आई तो घर में भांबड़ मचाई। अब रब जाने ये क्या हो जाता है, ये वो जाने, यानी सुख दोनों भाई पा रहे होते हैं, बीच में पेट्रोल लग जाता है। ध्यान से देख लो अपने अंदर, आप पति पत्नी ने शादी की, बड़े अच्छे रहे, बड़े प्रेम से किया, हाँ फिर कोई ना कोई बीच में अड़चन पड़ जाएगी, कोई ना कोई, या को आपके माँ की ओर से या पिताजी की ओर से या आपके अपने मनोमिटाव हो जाता है। इतने प्यार में रहती, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता इसके विषय में, मेरी देवियों कोई ना कोई गड़बड़ मच जाएगी। ये है लुटेरे, जन्म मृत्यु जरा व्यर्थ। फिर आगे जो बुढ़ापा आ रहा है ये परमात्मा का नियम है कि चढ़ते सूरज ने अस्त होना है, चढ़ते जोबन ने अस्त होना, जिसे हम बुढ़ापा बोलते हैं। और बुढ़ापे का मतलब क्या, हर अंग थक जाता है जब, एक एक अंग अंदर के बाहर के, इसे बुढ़ापा बोलती है। बाहर के अंग भी थक गए, अंदर के फेफड़े भी थक गए है, नाड़ियां भी थक गई, रगे भी थक गए, रेशे भी थक गया, खून भी थक गया है, बुद्धि भी थक गई, दांत भी अक गए, टूट गए, आंखें कम दिखाई देता है, सुनाई कम देता है। देख लीजिएगा हर चीज कम होती जा रही है, अपना तवाजन ही नहीं आप रख सकते। वो मेरे और बहुए भी अपना तवाजन रख सके नहीं, पैर लड़खड़ा जाते हैं, और तो और याददाश्त भी नहीं देती, पता ही नहीं रहता मैंने कल क्या कहा था, आज क्या कहा है, अपने अपने अपनी बात को आप ही भूल जाती है। वाह क्या बढ़ापा, अजीब बढ़ापा, वाह। उसके बाद फिर मौत तो है,
ये सब संसार के कष्ट हैं, उनके लिए जो बारमुखी हैं, उनके लिए जो नास्तिक हैं, उनके लिए जो मनमुखिया हैं, उनके लिए जो वासना और कामनों के अधीन है, उनके लिए दुख बहुत ज्यादा है। बड़ा क्रांतिकारी फरमान। फिर भगवान ने दोष कह दिया, दुख का दुख अपराग दोष, दोष ये अंदर के हैं, काम क्रोध वो लोभ अहंकार देवियों इनको दोष कहती है, जिसको हम अर्थ में कहते हैं विषय विकार मिटाओ, विकार जो बिगाड़ दिए जिन लोगों ने हमें, ये अंदर के, फिर ये तो सब कुछ बिगाड़ के रख देते, जो इन पर कंट्रोल नहीं कर रहा, कामना को अधीन नहीं कर रहा, क्रोध मोह लोभ के अधीन है, कोई अगर आप ना हो बुढ़ापे में ये चीज सारी बढ़ जाती है, बुढ़ापे में काम नहीं छोड़ता है, कुछ नहीं रहता शरीर के पल्ले, फिर भी क्रोध नहीं छोड़ता, चूंकि को कहना नहीं मानता, जब ये चिचड़ी हो जाती है, अपनी घरवाली नहीं मानती, बार बार खपता रहना है, चुपता किता करना, ये अपनी घरवाली कह रही है, बेटा अपना बेटा बार बार कह रहे हैं, ज्यादा बकबक ना कितनी कर, देखते रह जाते ये बेटा और ये बाप, और बकबक क्या करने रहना है, क्या पल्ले रहेगा उस बाप के, जब अपना बेटा ही दुत्कार दे, बुढ़ापा बहुत बड़ा दुख, अगर विचार ना आप संभलते जा रही, तो आपकी बड़ी अच्छी किस्म, बुढ़ापे से पहले आप समझ रही हो दीदी, बहुत अच्छी किस्म, बड़ी अच्छी किस्म, ये तो मेरे मालिक की विशेष कृपा है आप पर, जो बुढ़ापे से पहले संभल जा रहे, ये आपके सामने था, ये अंदर के दोष, बाहर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवान देंगे ताकत, आप संभल जाए। चलो मैं आगे ले चलो, क्रांतिकारी चौदहवे में कोई फरमान नहीं है, जितना क्रांतिकारी माना जाए, ओ पद्र में जो ही हम प्रवेश करते हैं, शुरू में ही हमें पकड़ लेता, क्यों है, कहां जा रहा है, भगवान की ओर, अभी नहीं रुक जा, पहले मेरे से दोस्ती लगा ले, शुरू में ही पद्र अध्याय में प्रवेश करती है, पहले मेरे से दोस्ती लगा फिर भगवान की ओर जा, जैसे हम किसी बड़े ऑफिस में जा रहे हो ना, हाँ अरे कहां चले जाओगे, पीछे रहो, तुम कौन, मैं द्वारपाल हूं, गेटकीपर, ऐसे थोड़े तुम जो मर्जी अंदर चला जाए, सारे गैया भैंसे कुत्ते चले जाए, मैं क्या गैया भैंस कुत्ता हूं, मैं तो इंसान हूं, भले ही हो अंदर, पहले साहब के पास बड़ा रश है, अभी ठहरो पूछूंगा, अपना आइडेंटिटी कार्ड दो, आए मेरे रब्बा, वो ही रोक लेता द्वारपाल, हां तो भगवान के द्वारपाल दो है जो हमें रोक लेती है, चार नहीं दो, विवेक और वैराग, इंसान को बड़ा विवेकी और वैरागी बनना पड़ता है, मतलब क्या हुआ, विवेकी वैरागी का मतलब संसार से उपरांत, आओ मैं आपको ये क्रांतिकारी फरमान दूं, पंद्रहवें अध्याय में भगवान जी ने अपनी सूक्ष्म बात को समझाने की, जो जो हम आगे आगे जा रहे हैं ना, जो जो अध्याय आगे आते मैं स्पष्ट कह दूं, तो भगवान का ज्ञान सूक्ष्म हो जाता, आपने अगर ना नोट किया तो मेरे से नोट कर लो, जो जो आप आगे बढ़ते जाएंगे, दूसरे अध्याय बातें सूक्ष्म है, तीसरे में और भी, चौथे में और भी, पांचवी में छठे में और भी सूक्ष्म, और भी और भी, और जब बड़ी सूक्ष्म हो जाती है, वहां भगवान को दृष्टांत देकर समझाना पड़ता, भगवान समझ जाती है, ये मोटी अकल वाले ये अल्पज्ञ जीव नहीं समझ पाएंगे, तो भगवान को उपदेश देने का फायदा क्या होगा, अगर हम ना समझ पाए तो, हाँ वाह भगवान, जहां भी आप दृष्टांत देखिए तो वहां समझना, अब मुझे यहां पर, अब मुझे यहां पर, आप मुझे यहां पर एकाग्र हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बात बड़ी सूक्ष्म है, मैं आपको ये बात पहले बता चुका, आप फिर कह रहे हो, जहां दृष्टांत आए समझिए कि ये सिद्धांत मेरी समझ में नहीं आना था, बिना दृष्टांत के भगवान एक ऐसा सिद्धांत देना चाहते थे जो बड़ा सूक्ष्म है, वो तो दृष्टांत द्वारा दे रहे हैं, शब्द जैसे कड़वी चीज कोई थोड़ा सा, जैसे नीम के पत्ते दादी खिलाती थी, लाती थी हमें घोट के, उसके बाद एक पतासा, दादी दादी तेने क्या कर दिया, सारा मुंह गंदा हो गया, तो एक पतासा ले ले, हाँ दादी ले कुली कर ले, तो दादी का ये नियम बना हुआ था कि नीम के पत्ते भी पिला देने, गर्मियों में 6-7 दिन लगातार तक खून साफ रहे, तो दाने निकलाते थे पित पुत के और मोटे मोटे गढ़ निकलाते थे, तो नीम के पत्ते 5-7 घोट घोट के बच्चे को पिला दे, शाबाश, आहा सीधे कहते, सीधे पीने सीधा पी ले,
मना मैं तेरे दादे को बुलाती हूँ, तुझे वो अपनी झोली में गिरा लेंगे, तेरे हाथ पकड़ लेंगे, फिर भी तो पियेगा नहीं, मुझे मम्मा वैसे दे दे साथ पतासा। इसी तरह जहां भगवान ने दृष्टांत दिया है वो पतासा है। देना क्या चाहती है? सिद्धांत। समझाना चाहते हैं सिद्धांत, मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, दृष्टांत के द्वारा। अब 15वें अध्याय में तो बात बड़ी सूक्ष्म हो गई। भगवान तो क्या सूझी, ये पहले दृष्टांत दे दिया, ये संसार समझने के लिए मैं बता रहा हूं। बोलो मेरे भगवान, बोलो मेरे शहंशाह, ये संसार एक वृक्ष के समान है और विश्व भी कैसा, जैसे आपके बाहर भगवान ने बहुत सारा विशाल पीपल का वृक्ष लगा दिया, कितना सुंदर पीपल का वृक्ष, और दिन ब दिन खुशी में फैलता जा रहा, खुशी में और भी फैल रहा पीपल का वृक्ष। अश्वत्थ बोलते हुए अश्वत्थ, ये पीपल का वृक्ष संसार को वृक्ष कह दिया। लेकिन देवियों सजनों ध्यान से सुनना, ये बड़ा निराला वृक्ष है संसार का, कैसे जड़े जिसकी ऊपर तले डाली है, इसके वृक्ष की जड़े तो धरती के गर्भ में होती है, लेकिन संसार के वृक्ष की जड़े ऊपर है, बाकी सब कुछ नीचे है। जड़े, संसार की जड़े कौन है? भगवान जी, जिससे सब कुछ बना है भगवान जी। तो भगवान जी सर्वव्यापी हो गए, जड़े फिर अपने ऊपर हो गए, बाकी तो लोग की ऊपर देवलोक, हमारा मृत्यु लोक और हमारे पैरों के नीचे पाताल लोक, ये नीचे नीचे हो गए। हाँ, जड़े ये निराला वृक्ष जिसकी जड़े ऊपर है और बाकी सब कुछ नीचे है, ठीक। अब भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कल्याण। गेट कीपर ने कहा जा रहे हो? भगवान की ओर। नहीं जा सकते, पीछे हटो, तुम इस योगी नहीं हो। मैं इस योगी नहीं हूं, क्यों? मेरे में आकांक्षा है, मेरे में लालसा है, मेरे में उत्कंठा है। तीन शब्द, आकांक्षा, लालसा, उत्कंठा। जब उत्कंठा आती फिर बेचैनी पैदा जाती है, आपने पूरी लगन लग गई जब उत्कंठा तक पहुंच गया। उत्कंठा, हां, बर्निंग डिजायर है। पहले शब्द होता है अंग्रेजी में डिजायर, फिर होती है लॉन्गिंग, एलएनजीआईएनजी लॉन्गिंग, फिर होती है बर्निंग डिजायर, आह टू यार, तड़पना, रह न सकना। गॉड, अब जब उत्कंठा आती है, हा फिर भी हमें आगे नहीं जाने देता, ये वैराग ने पकड़ लिया। क्या कह रहा है? जो तूने इतनी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं बनाई, ये जो तेरे जड़े फैलाई, ब्रांचेस फैलाई, ध्यान देना जरा एकाग्रता पूर्वक। जैसे ये दृश्य क्या है, ब्रांच, शाखा, प्रे शाखा निकलेंगे, ब्रांचेस इनटू ब्रांचेस, सब ब्रांचेस का ये फैलता जा रहा, ये शाख निकली इसमें से, फिर शाख निकली इसमें से, शाख निकलाई फिर आगे शाख निकली उसमें से, शाख इस तरह तक फैलता गया। शाखाएं, प्रे शाखें, ब्रांचेस इनटू ब्रांचेस, सब ब्रांचेस तक इतना फैल गया, शाख में से शाख, शाख में से शाख, शाख में से शाख। जैसे दादाजी, दादाजी के बेटे हमारे पिताजी, पिताजी के बेटे फिर आगे उनके बेटे उनके जैसे, इसे बोलते हैं वृक्ष, वंशावली, वंश का वृक्ष, आगे 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 फैलते जा रहे हैं। इसे वंशावली बोलती है, घर के जो है अपने परिवार की वंशावली, तुझे भी आगे कितनी फैल जाती है। अब ये हमारी क्या है? हमारी वासना है, हमारी इच्छा है, और जो आते गंदी पड़ गई है, वो हर एक में कोई ना कोई गंदी आदत है। गंदी आदत किसे कहते हैं जिसका परिणाम दुख? ये भी तो आदत पड़ी है सत्संग की, जाप करने की, सत्संग की, गीता जी के पाठ करने की, प्रातःकाल उठ के भगवान के चरणों में हाजिरी देने की, ये भी तो आदत है, पर ये वो आदत है जो संसार की आदत को धो देती, संसार की आदत को जला के रख देती है। भगवती, ये वो आदत है, ये बड़ी पवित्र पुण्य देने वाली आदत है, बाकी सब आदतें हट जाती है। शाबाश, आहा, अब संसार की जो हमने जाल फैलाया, वासनों का जाल, कामनाओं का जाल, आदत का जाल, ये फैलाया, हा तो जवाब आता है नहीं जा सकोगे भगवान की ओर, मतलब एकाग्रता नहीं आएगी, जाप करते करते रस नहीं आएगा, हाँ अपने शरीर और अपने मन से परे नहीं हटोगे, बीच में रुक जाओगे, मन आपका ऊब जाएगा, मैं तो ध्यान लगाने बैठ गया हूं,
नहाया भी हूं, धोई भी हूं, अपनी तरह अच्छे कपड़े पहन के बैठ को मन नहीं लगता। मन कहा जाएगा, जहां नहीं जाने देना चाहिए, इधर उधर यहां वहां। सवेरे 2:30 बजे का टाइम है, 3 बजे का टाइम है, इतना पवित्र टाइम है और मन कहां जा रहा है? बिल्कुल आवारा गर्दी करने नलायक कहीं का। कभी पुरानी बातें गड़े मुर्दियों खेल लेता है, कभी भविष्य की ओर जा रहा है, वर्तमान में भी पता नहीं क्या क्या बातें सोच लेता है, आखिर में आप तंग आ जाए। नहीं मेरे निवास की बात नहीं, कभी रो पड़ती है आप, कभी आप फूट फूट कर भगवान में क्या करूं, मेरे पास की बात नहीं, मैं तो देख लो अपने आप से उठी हूं, अपने शरीर को साफ किया, नहाया धोया और ना धो के एकाग्र में बैठ भी बन जाना। सी एंड रियलाइज कि ये नहीं एकाग्रता, ये आपके चिंतन में बैठते ही नहीं, ये तो आवारा गर्दी करता रहता है इधर उधर। बस यही आके वैराग्य ने पकड़ा। हाँ आगे जाना चाहती हो ना, तलीन होना चाहती हो ना, हाँ जड़े इसकी मजबूत है चार सू। ये जो तूने चारों ओर अपनी वासना काम में फैला ली, 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक, एक तीसरा, दूसरा नहीं, पहला भी नहीं, तीसरा, चौथा भी नहीं, तीसरा, इसकी तूने इतनी मजबूत मजबूत बना दिए जड़े, वासना कामना इच्छाएं आदात, जिसका एक अर्थ होगा कैरेक्टर। अच्छा इतने तूने पक्की कर ली है और चारों ओर फैल गई है, चारों ओर का मतलब बुद्धि में फैल गई, इरादे बुद्धि में फैल गए हैं, विचार मन में फैल गए हैं और एक एक आदत हमारी अंगों में फैल गई। कोई विशेष चीजें देखने के आदि हो गए, रहा ही नहीं जाता, विशेष ये बातें सुनने के आदि हो गए, रहा ही नहीं जाता, विशेष चीजें खाने के आदि हो गए, देख लो रहा ही नहीं जा, रहा नहीं जाता, मैं शब्द लगा रहा हूं बार बार, विशेष जगह जाने के आदि हो गए, पैरों से रहा ही नहीं जाता भाई, विशेष कपड़े पहनने के आदि हो गए, हमसे रहा ही नहीं जाता, विशेष रंग के अच्छे लगते हैं आपको, विशेष विशेष, और विशेष के बाद बैठने के भत्ते गप्पे मारने के आदि हो गए, हर एक निगली की अच्छी लगती है आपको, जो बिल्कुल आपके, चाहे आप भली बात करते हैं बुरी बात करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, प्यार करते हैं आपको, वो आपको अच्छी लगती है, वही आपको अच्छी लगती है, अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू योर टॉक, अकॉर्डिंग टू योर डायलॉग, अकॉर्डिंग टू योर मेंटल एटीट्यूड, आपको वही अच्छी लगती है भाई। अब ये कितनी आदत पक्की है, सचमुच चालों ने बिल्कुल ठीक कहा, 3-4 रस्से आप रस्सियां ली और उसको वट दे दिया आपने, तो ऐसे वटती हुई रस्सी का टूटना मुश्किल, धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल, हाय जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। और हमने बरसों से पक्की कर ली है, बरसों से, जैसे 3-4 धागे मिलाकर अपने वट दे दिए, तोड़ो लाशें पड़ जाएंगी हमारे दोनों हाथों पर, टूटती नहीं रस्सी, इससे जो आदत पक्की होगी छोड़ो नहीं, फिर आप रस्सी तोड़नी हो तो कैसे चाकू मारना पड़ेगा। हाँ कई बार बंडल आपके पास आती है डाकखाने से या बाजार से कोई चीजें, तो गांठ पक्की हो जाती है, प्लास्टिक के धागे बन गए, रस्सियां बन गई है, तो रस्सी क्या करते हो, छुरी ली, चाकू ली, यूं काट दिया पड़ेगा, चल आप खोल गया फटाफट। आप ये एक एक आदत कैसे छोड़े, आंख का बुरा देखना, कानों का, कोई एक अंग हो तो छोड़ भी दे, ये आदत देखिए, और फिर बरसों से है चीजें अच्छी अच्छी देखना, शिमले में जाना, कश्मीर में जाना, अपने आप को सजाना, कपड़े सुंदर देखनी, अपने चेहरे को अच्छा बनाना, तकते रहना, सिनेमा जाना और मार टीवी टूवी घर में देखते रहना इत्यादि, इस तरह कानों के विषय कितने, विशेष गाने, विशेष बातें, विशेष संपर्क अच्छा लगता है, फिर 10 है, देयर आर नॉट ओनली वन बट सो मेनी, एंड नाउ हाउ टू विथड्रॉ, हाउ टू कंट्रोल, इन सारी बातों को कैसे किया जाए। तब आप वैराग कहता है मैं आपकी मदद करता हूं, तो मेरे भगवान का फरमान, बहुत कमाल का वैरागी श्लोक और हमें क्रांति दिलाने वाला, जड़े इसकी मजबूत है चार तू, तु शमशीर तजरीद ते कात तू, तजरीद कहते बेटे वैराग, वैराग रूपी कुल्हाड़े से पहले इन्हें काट, वैराग रूपी कुल्हाड़े से, दृष्टांत देखिए क्या कमाल का दिया, तूने जाल फैलाया अपनी वासना का कामना का और इतना सघना वृक्ष बना दिया, अगर कल्याण चाहता है पहले इन्हें काट,
किससे? वैराग से, वैराग से। और कोई साधन नहीं, जैसे कोई चीज काटी जाती है चाकू से, और जरा बड़ी हो तो छुरी से, और बड़ी हो तो फिर कुल्हाड़ी से है। हमें काटना पड़ेगा वृक्ष की जड़े हैं तो हमें कुल्हाड़ी चाहिए, और उसकी धार बड़ी तेज हो कि मारते जाए, और कुल्हाड़ी की जो है धार वो वृक्ष के अंदर धसती जाए, लकड़ी ऊपर की कटती जाए, और कुल्हाड़ी और अंदर और अंदर और अंदर, ओह जड़ कट जाए। इस तरह वैराग तेज चाहिए। हां, इस वैराग तेज के लिए विवेक तेज चाहिए। विवेक का मतलब है भगवान ने दो चीजें मिलाई है, सत असत, हक को बातल, हक को बातल, दो भगवान ने मिला दिए खिचड़ी की तरह। और सत क्या है? भगवान जी। असत सारा संसार, और जो असत संसार है ये जा रहा है। हां, फिर मन हटा ले, जो चीज जा रही है मेरी माताओं मेरी बेटियों मेरे सज्जनों मेरे धार्मिक भाइयों, उसे अपने मन को खींच ले, ये वैराग है। और जो नहीं खींच सकता वो इस मार्ग के काबिल ही नहीं है। जो समझता है कि ये असत्य है और जा रही है और दुख देने वाली है और खींच नहीं सकता, भगवान कहते हैं उसे कान से पकड़ करके इस कलाश से बाहर निकाल दो, वो इसके योग्य नहीं है। जो समझ भी चुका है कि यह असत्य दुखदाई है, इवन देन मन को विड्रॉ नहीं कर पा रहा, फिर भी मेरी भगवती अपने मन को खींच नहीं पा रही, वो इसके योग्य नहीं है, है? वो नहीं योग, भगवान खुद कहती है वो जाहिल है और अकल में काम कार नदूजा में डाले, उनकी अकल कच्ची है, उनको ये बातें मत सुनाओ क्योंकि अभी उनका टाइम नहीं आया, अभी मेरी बेटी का समय नहीं आया, ये मैंने पहले ही भगवान देखी है, भगवान तो एक ही है, दो चार तो है नहीं, जो खुद कहती है ये मेरी वाणी के काबिल नहीं, उनको सत्संग मत लाओ, उनको गीता मत कहने के रह दो कि वो गीता पढ़े, नहीं अभी वो काबिल ही नहीं है, अभी कोई होगा दो चार जन्म के बाद वो काबिल होंगे, ये देखिए भगवान कह रही है, ये राज उससे मत कह, जो आप जो मेरा भक्त नहीं, जो श्रद्धालु नहीं, जिसके अंदर आग नहीं लगी अपने कल्याण की, न उससे जो सुनने का ख्वाह नहीं, तड़पी नहीं जिसके अंदर, ये राज उसे, ये भगवान कह रही है ये राज उससे मत कह, वरना भगवान कहते पुण्य की जगह पाप होता, क्योंकि इन बातों को अपना नहीं सकेगा, संसार से कुछ मन टूटेगा ना इधर का ना उधर का, दोनों तरफ कनार, फिर हमने पाप कमाया पुण्य तो ना किया, इतना उसमें संस्कार नहीं अच्छे, संसार की कुछ असलियत बता दी तो कुछ मन शक्तिय बन जाएगा संसार से, मैं दुख पा रही हूं, यू भी लक्षणकारी है तो दुख के, इधर अपना नहीं सकती, कहां जाएगी ऐसे, पूर्ण रूपेण संसार के अंदर कर्म नहीं कर सकेंगे, पूर्ण रूपेण वो जा नहीं सकेगी, आपने फिर जुल्म किया उसके ऊपर, इधर आ नहीं सकती, उधर शक पड़ गया, वाकई मैं तो ठीक नहीं कर रही, तो फिर इधर कर, इधर संस्कार नहीं है, तेज विवेक वैराग नहीं है, तो क्या बनेगा फिर, ऐसे हमने अन्याय कर दिया, इसलिए भगवान आपको एक नहीं दो नहीं तीन चार जगह रोका है, ना उनको अभी नहीं कहना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी उनका समय नहीं आया, वाह नहीं नहीं अभी मन के कमजोर है, अभी वो दुविधा में है, अभी उनकी ये दुर्दशा है, इरादा ना हो उनका, रहेंगे ख्यालों में उलझे रहेंगे अभी, वाह उनकी अभी ये हालत है, दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह, अभी नहीं, आइए जरा आप इतना ही देख लें, तो भगवान जी पहले कह रही है, पहले समझा रही है, जब हमें समझ आ गई कि ये असत्य है और सत्य केवल भगवान जी है, तो फिर सीधी बात है हट जाए, दनाई इसमें है, वो भी थोड़े से जीव होंगे, डॉक्टर साहब ने बताया मुझे आपके लिए खांड अच्छी नहीं, ठीक है छोड़ देनी चाहिए, प्रयोग करना है तो बहुत कम किया करो, ठीक है, बहुत ज्यादा नमक नहीं इस्तेमाल करना, ठीक, जब पता लग गया हानिकारक है छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ सकते तो ऐसे मरीज अपनी मौत को बुला रहा है, जो परहेज नहीं करता, तो मैं बताऊं आपको ऐसे मरीज को डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, कफन लेकर के ना अपने सराहने में रख लिया कर, जो परहेज नहीं कर सकती बीमारी बढ़ती जा रही है तो वो कफन पहले ही अपने तैयार रख ले, नीचे लपेट लिया ऊपर सराहना रख दिया ताकि जो है सिलवटे ठीक रहे खराब ना हो जाए, कितनी गंदी बात है कि कफन अपना लेके सराहने के नीचे रख लो, ये चीजें तुम्हें तबाह कर रही है, तुम मानती रहे हो फिर भी नहीं छोड़ रहे, ठीक है फिर कफन तैयार करो, इसी तरह जहां हम कल्याण करना चाहती है ये वृत्तियां हमें तंग करती है और हमारे मार्ग में बाधा है, हाँ छोड़ देनी चाहिए, जो आ गया ये मार्ग उनके लिए,
जो लक्ष्मण की तरह भगवान के सामने कहता है जो आज्ञा लक्ष्मण जी मेरे प्रभु, मजार उसकी जबान कट जाए अगर उसने इनकार किया हो। आपने रामायण पढ़ी है, ये सुनी होगी या टीवी में देखी होगी, हर समय सिर झुक जो आज्ञा लक्ष्मण जो आज्ञा जाइए और जो आज्ञा हर बाप इस तरह आपका मन बन जाए जो आज्ञा हाय हाय कि ये जो भी कहेंगे मेरे कल्याण के लिए कहिए, मार्ग है उनके लिए जिनका मन सिर झुका के कहे जो आज्ञा मैं हाजिर। देखिए संसार की चीजें असत्य है दुखदाई है, इनसे तूने हट जाना है तू दुख पाएगा जो आज्ञा है शबा तू दुख पाएगा नहीं मैंने तो कल्याण करना है। भगवान कहते काटता जाए इनको वैराग की कुल्हाड़े से जो गंदे इरादे, सुनो जरा मेरे भगवान की बात सुनो मेरी देवियों, गंदे इरादे यानी अशुभ इरादे अशुभ विचार अशुभ कर्म और कर्म करके बन गई अशुभ आदत। भगवान के लेख वैराग का कुल्हाड़ा काटता जा तेरे अशुभ इरादे ना रहे जो आज्ञा, तेरे अशुभ विचार ना रहे जो आज्ञा, तेरी अशुभ एक्टिविटीज बिल्कुल ना रहे जो आज्ञा, अशुभ तेरी संगत खत्म हो जाए जो आज्ञा, बाकी क्या रह गया रहे रब दा नाम। एक भगवान रह जाएंगे और भगवान का उपदेश रह जाएंगे बस। अगर हम चीज सारों को रिमूव कर दे लेकिन वैराग से मेरे कहने से तो वैराग जागेगा। हम लोग तो अलार्म होते हैं आपके विवेक और वैराग को जगाने के लिए। जब विवेक वैराग जाग जाती बस फिर अपने आप जब सोया हुआ जाग गया बस अपने जो कर्म कर रहे हैं वो अपने आप करने लग जाएगा। तो भगवान काटो इनको जो आज्ञा मेरे प्रभु। कितने हल्का हो जाता है इंसान जब वैराग से अनवांटेड की तरफ से मन हटा लेता है। अंग्रेजी में अनवांटेड बोल रहा हूं अपनी भाषा में बोलिए अवांछनीय, अवांछनीय प्राणी पदार्थों से अपने आप को खींच लेना, अवांछनीय प्राणी पदार्थों से अपने आप को निकाल लेना वो बड़ा मुश्किल है। कल युग में ये बातें सुनाई जानी और सुनी जानी बड़ी मुश्किल, क्योंकि सारे गलतान है अवांछनीय में, इरादे अशुभ विचार अशुभ कर्म अशुभ संगत अशुद्ध खाना पीना रहनी सहनी सारे तो अशुभ है। किसको क्या समझाओगे, एड़ी से चोटी तक गले पड़े हैं क्या आदत में विचारों में और गंदगी, उन्हें क्या कहा जाए किसी को क्या समझाया जाए, उनको पता ही नहीं वैराग, और वैराग उनके बस की बात है ही नहीं ना बिल्कुल भी नहीं। हाय 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 वो मैं फरमान दूं भगवान का जो मेरे भगवान ने कहा वो खुद काम गए काम नाओं में मस्त। समझाओ इनको वो खुद काम गए काम नाओं में मस्त, वो जन्नत के ताली वे जन्नत परत फंसे जिनके दिल रहते अफाल में, हाय गिरे ऐशो दौलत के जंजाल में समाधि नहीं दिल पे काबू नहीं क्यों अकले इरादी यक्सू नहीं। उनका इरादा ही पक्का नहीं होता, एक इरादा करते हैं तुम दूसरा इरादा कर दूसरा इरादा तीसरा इरादा कर लिया, इरादे बदलते चले जाते हैं तो क्या होगा विल पावर कमजोर अर्थात हमारी संकल्प शक्ति बड़ी कमजोर। ऐसे नर नारी कुछ नहीं कर सकते जिनकी संकल्प शक्ति इतनी निर्बल हो चुकी है, बात बात में जो बदलते रहती है ना बात बात में बदल दिया ऐसे कोई विश्वास नहीं होता। शाबाश भगवान करे आप में ये कमजोरी ना आने पाए। तो भगवान रह दे रहे पहले काटो वैराग से अपना रास्ता बनाओ, अपने अशुभ इरादे अशुभ विचार अशुभ क्रियाएं छोड़ दो पड़े, अशुभ संगत छोड़ दो पड़े। कितनी हिम्मत चाहिए मेरे बच्चे, कितनी हिम्मत चाहिए मेरे बुजुर्गों मेरी माताओं मेरी कल्याण कामनी बेटियों, इनको छोड़ देने में बुद्धि से बुरे इरादे निकालने बुरे विचार बुरे कर्म और बुरी संगत से अपने आप को निकाल लेने में कितना तेज विवेक कितना तेज वैराग और कितने पीछे जन्म के तेज शुभ संस्कार। मजाक थोड़ा है, एक आदत नहीं छूटती और या अनेक आदतें छोड़ देनी है अनेक है मेरे रब्बा। छोटी चीजें छोटी एक आती है, एक को आपने कहा भी सही अच्छे नहीं लगते आप ये क्या करते रहते हैं सिर के बाल यूं लेके तोड़ते रहते हैं सभा में अच्छे नहीं लगते अच्छा। फिर आपने फिर कहा हाय परमात्मा की कसम मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं बाल तोड़ी जा रहा हूं मुझे समझ ही नहीं इतनी मामूली आदत है पता नहीं कब से तोड़ रहे हो बड़ी आदत
एक आदत है क्या, अपने बटन को लेके ना यू करती रहती है, यू अच्छे लगते सब बैठे हुए बटन को यू 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 करते रहते, यू 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 मुझे पता ही नहीं लगता, मैं जली तो लगती होंगी पर मैं क्या करूं, मैं यू यू करती रहती हूँ। अब ये अच्छा लगता है, आज ये नहीं आ चुकी, पता है कि ये डिसेंट नहीं है, इनडिसेंट है, इवन देन हम ऐसे करती रहती हूँ, हम ऐसे करती रहेंगे। और ये तो कई आदत है, तो आग लगी पड़ी हो अपने मन के अंदर कि मैंने अपना कल्याण कर लिया, मेरी आयु जा रही, मेरे दिन जिंदगी के थोड़े रह गए, कुछ कर दिखाऊं, शाबाश। वो पर हाथ धो लेते या अपनी कमर कस लेती है कि ये तो मैंने करना ही है, इन्हें काट कर काटो, इन्हें शमशीर तजरीद से काटो, वैराग्य कुरान से काट के नए बन जाओ। मेरे भगवान आपको प्रेरणा दे रहे, देखते रहे ना, अब इरादे शुभ है ना, अशुभ इरादा तो नहीं तेरे अंदर, सीधा टू बी वेरी सिंसियर एंड मोस्ट क्लियर। ईश्वर की अमा किया जिसने हस्ती कदरिया, अब तुम उसे कहे श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मेरे प्रभु तेरी शरण लेके आ रहा हूँ, आपका सहारा लेके आ रहा हूँ, मेरे प्रभु मेरे मालिक जी मैं आपका सहारा लेके आ रहा हूँ। इतना कह के नहीं, क्या कह के, ऐ त्रिलोकी को बनाने वाले त्रिलोकी नाथ त्रिभुवन मुरारी मैं आपकी शरण लेके आ रहा हूँ। तीन लोकों को बनाने वाले किया जिसने हस्ती का, जिन्होंने नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ बनाए हैं, मैं उस भगवान की शरण लेने, मजा आ गया ना, चारों ओर से हट के जो कह रहा है मैं आपकी शरण, उस वाक्य शरण ले लेगा, शरण पकड़ लेगा जरूर, जिसने चारों ओर से अपने हट लिया। क्यों नहीं हमारे पर कल्याण, हमारे पर हम असर होता, हम शरण तो अनेक के लिए रखी है, फिर रब के साथ क्या शरण ले, मन में तो अनेकों को फंसा रखा है, अनेकों की अटैचमेंट है, अनेकों की वासना है, अनेकों की कामनाएं हैं, अब तो फिर कैसी ये बात बने, ये हो कैसी, मेरी भगवती हो मेरी देवी हो, ये बात बनेगी कैसे, अनेकों की थोड़ा होता है एक, तो जिसने अनेकों को तोड़ दिया, हसरा व्यवहार कर रहा है, मन में जगह नहीं दे रहा, उसकी शरण पक्की जाएगी भगवान की, वो बड़ा दाना है। अब उसके लिए कह रही है तो भगवान को समय कौन से, भगवान जो त्रिलोकी को बनाने वाले हैं, भले ही तो राम कहे भले ही तो कृष्ण कहे, ये जरूर मन को कह रहा है, जिन्होंने ये सारा संसार रचा है, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, मैं उस भगवान की शरण ले रहा हूं, मैं उस परम पिता की शरण ले रही हूं, मैं उस अपने इष्ट देव महाराज जी की शरण ले रहा हूं, किया जिसने हस्ती का, भले ही नाम कुछ रखते जाओ लेकिन भगवान की परिभाषा ये हो, नलायक नाम के ऊपर लड़ लड़ के भारत में खून खराबा करके नरक गामी बनते रहे, नाम के ऊपर लड़ते रहे, जिन्होंने नहीं चलना वही नरक गामी बन रही है। राम और कृष्ण में भी कोई फर्क है, इस नाम पर लड़ाइयां चलती है, शिव और जो है भगवान विष्णु को पर लड़ाइयां चलती है, ये वो गंदे व्यक्ति है धर्म के ठेकेदार जो चलते नहीं, सिर्फ बकबक करना जानते हैं, जो धरती पर बोझ है और भगवान को नाराज कर रही है, वो वही तो है। क्या हो गया अगर नाम में अलग हो गया, तो वही मेरे राम है, वही मेरे कृष्ण है, वही अगर अल्लाह कहते तो मैं अल्लाह कहने में खुशी है, तो भगवान समझते हैं ये मेरा ही नाम है, अगर तो वैगुरु करके भगवान को रिझाना चाहते हो तो भगवान जानते हैं, भगवान को किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं ये मेरा ही नाम ले रहे हैं, क्यों ना हमारी बुद्धि में, हमारी बुद्धि में, उनकी बुद्धि में नहीं आ सकता। ये समाज है, नदिया एक घाट बहु तेरे, नदिया एक, हिंदुस्तान की इस कहावत को ले लो, नदिया एक घाट बहु तेरे, मानो ये इतनी बड़ी नदी बह रही है, हाँ तो इसके अंदर आने के प्रवेश करने के इधर भी घाट है, इधर भी घाट है, घाट का मतलब बेटी सीढ़ियां बनी होती हैं, हाँ उन्हें घाट कहती है, विशाखा भी जैसे आ जाओ इस घाट से उस घाट से उस घाट से, लोगों ने अपने सुख के लिए घाट बनाए हुए हैं, बल्कि बड़े बड़े जगह देखी गया क्या, वहां पर औरतों के घाट अलग गए, मर्दों के घाट अलग गए, अच्छा और तो और जाति जाति अनुसार घाट बने हुए हैं, कई नफरत करते हैं तो उन्होंने कहा भी हमारा घाट है, लेकिन नदी तो एक है ना, पानी तो एक जैसा भर के ले जाएगी, अरे कितना अच्छा, नदिया एक, आप बोलो बहुत तेरे, नदिया एक, अटीक बोलो ना, नदिया एक, इसी तरह भगवान मेरे एक, नाम बतेरे,
मेरे कृष्ण एक नाम बतेरे, मेरे राम एक नाम बहुत तेरे। अपनाने वाला कभी नहीं लड़ाई झगड़ा करेगा या कटाक्ष करेगा। He knows fully well that Almighty is one, maybe so many names. He is being called by so many names, maybe, but God is one. ये मेरे मालिक ने उसको मन में बिठा दिया है कि जात तो एक है, आहा नाम उनके अनेक होती है, होने दो, किसी कोई नाम अच्छा लगता लगे। हमें इस जन्म में भगवान कृष्ण नाम पुकारने में रोमांच होता है, प्यार आता है, आहा प्रभु का नाम लेने में बड़ी खुशी आती है, जाप करने में खुशी आती है। हमको एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, लेकिन जब कोई नाम लेते तो प्यार आ जाता है, भगवान की बातें सुनते हैं तो हमें प्यार आ जाता है। और किसी को करते करते हमें तो कभी कटाक्ष किए नहीं, जो तुम मर्जी लिए जाओ, लेकिन ये समझ लो कोई भी किसी नाम से भगवान को याद करे, ये समझ लो कि जिसका मैं नाम ले रहा हूं वो सृष्टि बनाने वाले, कहे मुझको परमेश्वर की अमा, चल उस भगवान की शरण ले। लेकिन ये दिमाग बुद्धि अंतःकरण में रखता हुआ किया जिसने हस्ती का, भगवान ने सबका घर पूरा कर दिया, सबका घर पूरा हो गया। जब ये कह दिया जो त्रिलोकी बनाने वाले तेरे भगवान, हां तेरे अलमिया, हां हां उन्होंने ये वो खालिक मखलूक बनाने वाले गए, माई गॉड इज क्रिएटर, ही इज क्रिएटेड द वर्ल्ड, सो आई से माई लॉर्ड कृष्णा उन्होंने सारी त्रिलोकी को बनाया है। हां भगवान राम को, हां हां रम रही है एक एक कण के अंदर वो मेरे राम, हम भी यही कह रहे हैं, रम रही है कण कण में वो मेरे राम, हम भी यही कह रही है, खींचता है अपनी ओर हरेक को वो मेरे कृष्ण, कृष्ण इति कृष्णा, जो एक एक जीव को अपनी ओर खींच रही है वो कृष्ण होता है, अपनी ओर खींचने वाले को आप कहते हैं रम रही है हरेक कण, वो एक ही बात है। वो अलामिया कहती है कि वो अलामिया जो नूर रूप में ज्योति रूप में चारों ओर फैले हुए हैं। हाँ ये कहे, पर ये भी कहे कि उन्होंने ये हरकत बनाई है, हाँ बस बराबर हो गए आप बराबर, यानी जात में कोई फर्क नहीं, नाम में फर्क पड़ते रहो, जात में कोई अंतर नहीं कहना चाहिए। जिन्होंने चलना है मेरे बेटे, जिन्होंने चलना है वो समझते हैं परमात्मा एक है, नाम अनेक है, बोलो वाटरमेलन, बोलो आप हिंदवाना, बोलो आप मतीरा, पर है तो वही चीज, तो वही है ना, जिसको आप तरबूज बोलते है तो वही, अंग्रेजी में वाटरमेलन बोलते हैं पर चीज तो तरबूज है, पंजाब वाले हिंदवाना बोलते हिंदवाना खाना, हिंदवाना अरे खा ला हिंदवाना खाना था, तो वो हिंदवाड़ा कह रहे वाटरमेलन कह ले, ये तरबूज कह ले, चीज अनेक तो नहीं, नाम अनेक हो गए लेकिन वो तरबूज एक है, ओए माय लॉर्ड, ओए वो मेरा रब एक है, चाहे नाम उसकी अनेक, रब एक नाम अनेक, रब एक नाम अनेक, ये अनादिकाल से ऐसे चलता आ रहा है। अपनाने वाला कभी नहीं लड़ेगा, जिसने नहीं अपनाना वो बक बक करके भगवान की नजरों से गिर के नरक की ओर जा रहा, जो भगवान के नाम पे लड़ता नहीं। भाई नहीं जात हुई है, चाहे हिंदवाना कह लो, चाहे तुम वाटरमेलन कह लो, और चाहे तुम कुछ उसका और नाम रख लो, हाँ चाहे तरबूज रख लो उसका, ठीक है, ये हमारे कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन ये जो कहेंगे मुझे भगवान की शरण, ये उनका कहना सफल होगा या भगवान सुनेंगे भी उनकी। हम मैंने कहा, आपने कहा श्री कृष्ण चरण, पर सुनाई नहीं होगी, क्यों, अगर हम चारों ओर से काट के नहीं आए हमारी सुनाई नहीं होगी, और नहीं हमारी सुनाई हो सकती है। हम लाख कहते रहे हजार माला रोज फेरे, मैं सच्चाई से कह रहा हूं नहीं सुनाई होगी, अगर हमने अपने मन के टुकड़े कर रखे, अगर हमने मन के पूर्ण पर भगवान की शरण नहीं ली, नहीं सुनाई होती ना। उनको मेरे भगवान कहती है परा गंदा दिल है ये मक्कार, अनेकों की शरण ले रखी है, फिर मुझे कह रहा है श्री कृष्णा शरणम, मैं भगवान की शरण लेता हूं। भगवान की शरण लेने वाले अनेकों की शरण नहीं लेते, वो फिर केवल भगवान की शरण लेती है। प्रेम का ये तकाजा है कि वो एक ओर झुकता है, अनेक ओर नहीं झुकता, क्योंकि प्रेम में भगवान की शक्ति है। प्रेम दो और नहीं झुकेगा, प्रेम को परड़ा कहा गया, प्रेम तराजू है, हाँ जिसका परड़ा एक और झुकता है दो और नहीं झुकेगा, क्योंकि परड़ा किसका झुकता है, तराजू का, जिसमें कोई भारी चीज रखी जाए। ध्यान देना कितना अच्छा काम है क्वेश्चन है, तराजू के दो परड़े, हाँ
तो एक पड़ा जमीन पे आया, पड़ा एक आकाश की ओर जा रहा, क्यों? जो जमीन पे पड़ा उसमें वट्टा रखा हुआ है, शायद उसमें किलो का वट्टा है, उस वट्टे के बोझ से जो पड़ा है वो नीचे आया हुआ है। हाँ, तो किसी का मन कहाँ झुका होगा जिसमें जिसके गुण रखे होंगे, गुण वट्टे का काम कर जाते हैं। ध्यान देना मेरी भगवती हो, मेरी देवी हो, सजनो, मन किधर झुका होगा? फिर मैं कहता हूँ ये तकड़ी आपके सामने और इसके ये दो परड़े, ये किधर झुका हुआ है? कौन सा पड़ा झुका हुआ है? दाया, क्यों इसमें वट्टा है? हमारा मन किधर झुका होगा? जिसके गुण हमारे मन में आएंगे मन उधर झुक जाएगा। अरे देख, मन बड़ा चलाक है, बड़े इशारे मेरी मैया मेरी बेटी, किधर झुकता है? जिधर के गुण देखता है। तो भगवान हमें गंदा कहेंगे ना, अनेकों में गुण देखें, और ये नहीं पता लगता कि ये गुण जो मैं माँ बाप बहन भाई पति पत्नी में देख रहा हूँ, गुरुदेव में देवताओं में देख रहा हूँ, ये गुण आए कहाँ से? भगवान से। तो फिर मैं भगवान में गुण देखूं जो सबको दे रही है। हाँ, ये बड़ा अच्छा फरमान मेरे प्रभु का 10वें अध्याय का, गरज जानदारों में जो है सफात है उन सबका मंबा मेरी पाक जात, अर्थात जहां भी कोई गुण देखा जाए वो समझा जाए ये गुण भगवान ने इनको अधिकारी समय के दिया। शब्बा, ये गुण भगवान का है जो अधिकारी समय के लिए रखा है, अधिकारी समय के दिया है, ये जरूर याद रखना। क्योंकि सोर्स ऑफ क्वालिटीज ऑल माइटी, गुणों का घर भगवान जी, गुणों का घर भगवान जी, गुणों का घर भगवान जी। देखिए देखिए, गुणों का घर भगवान जी। शाबाश शाबाश शाबाश। घर में कभी कभी तू तू मैं हो जाती थी बहन भाइयों की, आने दे पिताजी को, आने दे आने दे आने दे। पिताजी आते शाम को, हाँ रोटी रोटी खा लेती, बाद में माँ कहती कुछ कहना तो बाद में रोटी खा लिया, रोटी खा ली, अब पकड़ लिया पिताजी ये बात अच्छी नहीं। बहन ने मानो पिताजी को पकड़ लिया, बेटी क्या बात? बोलो क्या बात? नहीं, रो पड़ी। रोती क्यों है? ये बात अच्छी आप नहीं करते, मेरे से गलती होती है। हाँ देखो भैया ना, हाँ भैया ने ना अपनी कमीज लटकाई थी किल्ली पर, उन दिनों बच्चे हैंगर उंगर हम जानते नहीं थे और ना गार्डन के पेटियां हमें पता ही नहीं था। वह आया और किल्ली से लटका दी, इसके पीछे लगा उसकी डंडी सी कमीज के साथ, ऊपर उधर उसके फंसा दिया, चल वो लटक गई जैसे बकरे लटकते हैं कसाई की दुकान पर, वैसे लटका दी चुपके जू। जो लटका दी तो कहीं कर दिया होगा, बहन ने देख लिया होगा। हाँ पिताजी अच्छी बात नहीं, क्या आपने मुझे रुपया दिया था ना? हाँ भैया के जेब में तो 2 रुपए गए, फिर उसने रुपए तो आपसे लिए है ना? बेटी लिए तो मेरे से है। फिर आपने क्यों, मैं आपकी लड़की नहीं? सुनो सुनो, सगी बेटी कह रही है मैं आपकी लड़की क्यों नहीं? तू बड़ी है वो छोटा है, आपने तो मुझे रुपया दिया उसको 2। मेरी बात पर विश्वास है? हाँ बेटी मेरी जेब में 2 थे, टूटे हुए नहीं थे ना। तब मैंने भैया को ये भी कह दे, पूछ ले उससे कि कल तू नहीं मांगेगा। अच्छा अच्छा पिताजी मुझे माफ कर दो, कल तू नहीं मांगेगा, तूने आज और कल दोनों का ले लिया? हाँ जी, मैंने 2 दिन के दिन, टूटे हुए नहीं थे। तो बहन को क्यों शक पड़ा? रुपए तो पिताजी देती है ना। हाय ये बात मुझे याद है, रुपए कहां से आएंगे? कमाने वाले तो हमारे तो एक ही होता था, हेड ऑफ द फैमिली, वो ही कमाते थे, एक की जेब में 4-5 के हाथ उसी से निकालते रहते थे, तो कमाने वाले तो वही है, हेड ऑफ द फैमिली वही है, अर्निंग हैंड वही है। हाँ इसी तरह समझिए जैसे हमने समझा हेड ऑफ द फैमिली वही है और वही कमाई, एक कमा रही और सबको फरमाइशें पूरी करती है। इस तरह गुणों का घर भगवान जी, गुण उन्हीं से निकलती हैं जैसे सूरज से श्वाएं या किरणें निकलती हैं। हाँ तो फिर हम जब गुणों के घर भगवान जी है तो हमारी कितनी भूल हुई जो हमने पिताजी में गुण देखे, क्या देखने पाप है? नहीं पाप नहीं, मेरी माँ में ये गुण, मेरे पिता में, मेरे गुरुदेव में, मेरे देवता में, ये कहना पाप है? वैसे तो ठीक आप कह रही है, कहना पाप है? देखो स्वामी जी ने हमें कह के जगा दिया, ये कहना मेरे गुरुदेव में ये गुण है पाप है, माँ में ये गुण है ये पाप है, ऐसा कहना पाप है? तो क्या कहना चाहिए? मेरे पिताजी के कितने अच्छे भाग्य जो भगवान ने ये गुण इनको दिए, ये बात। मेरी माँ कितनी भाग्यशाली है जो मेरे प्रभु ने इनको ये गुण दिए। अगर आप ये कहना सीख जाओ मेरे पति देव के कितने अच्छे भाग्य है, मेरी पत्नी कितने, जो मेरे भगवान ने इनको, तो क्या होगा? हमारा पूरा प्रेम मन भगवान में लग जाएगा। क्योंकि भगवान से ये गुण आए गए, माँ में कोई गुण नहीं थे, भगवान ने इनको अधिकार नहीं समय का, डिजर्विंग समय के दिए हैं। गॉड हैज बिस्टोड ऑल दीज क्वालिटीज, तो हमारा मन कहां जाएगा भगवान की ओर? और बहुत अच्छा नुकता ये 10वें अध्याय का,
गरज जानदारों में जो है सफात है उन सब का मंबा मेरी पाकिजा। अब आपका मन भगवान की ओर झुकेगा। हाँ अब आपका क्या होगा, व्यवहार आप सारों साथ कर रही है, सबके साथ अच्छा व्यवहार, लेन देन कर रही है, सेवा काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मन के झुकाव का है भगवान की ओर। समझो जो हमें समझाया गया हमारे से समझ लो, हमने वही समझाना है जो हमें समझाया गया। मॉनिटर वही पढ़ाएगा जो उस मास्टर जी ने उसे पढ़ाया है। फिर अब मन क्या होगा, हमेशा भगवान की ओर झुका रहेगा। जब गुण तो हमने भगवान में देखे और बिना गुण के मन झुकता नहीं, याद रखना बिना गुण के मन झुकता नहीं। नहीं बाबा स्वार्थ हो जाता है, तो स्वार्थ भी क्या रख रहे हो, मेरी यह बात पूरी कर देगी, तो पूरी करने में मैं समर्थ है ना। हाँ तो समर्थता का गुण कहां से आया, आए मेरे रब्बा, ये भगवान ने दिया है। तो ये कभी अभी से अपने आप को ठीक कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिए। गुणों का घर भगवान जी, और जिस जिसमें जो गुण जिनके साथ हमारा संपर्क है, ये हम अपने मन में रख ले कि ये गुण भगवान जी ने इनको अधिकार नहीं या अधिकारी समय के दिए। करो व्यवहार, करो प्यार, लेकिन मन झुका रहेगा भगवान की ओर, क्योंकि भगवान ने ये गुण दिए है सारे इनको। हाँ अब आपको मजा आएगा, अब भगवान आपकी सुनेंगे। जब आप कहोगे तो कहे मुझको परमेश पर हो, मैं आपकी शरण ले रहा हूं, भगवान कहेंगे कपटी नहीं, बिल्कुल इसने मन से मेरी शरण ले ली। मन सिर्फ बत्ती दांतों से बकवास करते रहे, मैं तो आपकी शरण ले रहा हूं, मैं तो आपकी शरण। भगवान को कौन धोखा देगा जो अंतर्यामी है और सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञाता है। वो कहेंगे कितनी कपटी है ये, अनेकों की शरण ले रखी है और आटे में नमक की तरह मुझे डाल रखा है, आटे में नमक की तरह मुझे डाल रखा, थोड़ी बहुत ही रब की शरण ले ली। तो ये तो नहीं ना, फिर ये तो रब सुनाई नहीं होती, ये पहले क्या बड़े चलाक है हमारे प्रभु, इन्हें काट कर ढूंढ, ध्यान देना पहले, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, पहले कट फिर नट, पहले कट फिर नट, नट मैंने भागना, पहले काट फिर दौड़, पहले काट। अगर तो कल्याण करके मरना है मेरी देवी, और कल्याण करके चार दिन जिंदगी काटनी है, तो सुन लो भगवान की बात, इन्हें काट कर। हाय हम तो पखंडी बने फिरते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, क्या हो रहा है धर्मस्थान में, पखंडी पखंड है, इतनों का सहारा ले रखा है, फिर साथ ये कहती है भगवान तेरे बिना तो मेरा कोई नहीं, ये भगवान मात पिता तुम मेरे चरल पलू के चके पल बुचल पलू के चके। भगवान जानती है ये पखंड है इनका, मात पिता तुम मेरे, अब ये काट के कह रही है, हर चारों तरफ से हट के कह रही है, नहीं नहीं तो फिर लोग क्या भगवान को धोखा दिया ना, मात पिता तुम मेरी शरण पढ़ू किसकी, आगे किस मुंह से बोलोगे, तुम बिन और न दूजा आस करू जिसकी, किस जबान से बोलेगी, तुम बिन और ना दूजा मैं किसकी आस करूं, आप किस में कोई है ही नहीं, मेरा कल्याण करने वाला, मेरे मुझे सुख देने वाला, आप ही तो सर्वस्व, आप ही तो हरेक की ताकत बने हुए, आपकी हरेक की जान प्राण तो आप है, सब जान वालों में जानी वही के फानी में है गैर। अब आपकी सुनाई होगी अगर मन एक और झुका हुआ है, देखिए ऐसे नहीं बात बनेगी, ऐसे अभिषेक जाप कर लो, भगवान जानते पखंडी है, अनेकों को बसर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप खुद देखो छोटा सा आपका शरीर है और छोटा चिड़ी वाला आपका मन है। हाँ श्रीमान को पूरा रूप माफ करना मेरी बेटी, मैं पिता तो मेरी बेटी नहीं प्यार करेगी तू, अगर ये मन में है कि ये और भी बसाई फिरता कोई है, अगर ये शक भी पड़ जाए कि ये किसी और से भी प्यार करता है, आपका मन में प्यार नहीं उमड़ेगा, आपका मन द्रवीभूत नहीं होगा, ये पता लग जाए सही कि ये किसी और को भी चाहती है, तो आप नहीं, क्या है तू प्यार से बोलती नहीं, मैं कैसे बोलूं, आप मुझे सच सही बताइए, आप किसी और को नहीं चाहते, हाँ लख लाना तो मुझे, फिर आपका मन टूटेगा। तो रब कैसे सहन करे जहां हम अनेकों के साथ मन लगाई फिरती, आप ध्यान दे लो ना, आपके तीनों चारों कपड़ों को लग जाती है आग, ये नहीं कि सफेद आग के लाल आग, रब में न जाने लगती नहीं आग लगती है, मैं तो कभी ना बर्दाश्त करा, कभी करेगी बर्दाश्त, मैं तो कभी ना करा, हर बार मैं तो मां के पास जाऊं फिर कभी ना आऊं, और फिर रब कैसे बर्दाश्त करेगा,
जिस रब ने कहा है वो करते गए खालिस इबादत मेरी, और मेरे कृष्णा हमें ऐसा बना दे, वो करते गए खालिस इबादत मेरी, वो यक दिल जी में न रखे दुई। कितना चोटी का फरमान, वो मेरी पवित्र भक्ति करती है, क्या मतलब उनका मन कहीं और नहीं लगा होता, वो पूरे रूपे मेरे में लगी होती है। अब कहो ना सुनाई दे तो हजार हजार ने लख लख लानत हमारे जैसों को, अपना सुनाई हो कभी हो सकता है, भगवान का तख्त अपना हिले कभी हो सकता है, पूरा रूपे मन अपने कृष्ण के साथ अपने भगवान के साथ लगा हुआ, अब कहो क्या कहूं, ये क्या करे, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, पहुंच कर जहां से न लौटे मदाम, ओए तू कहे मुझको परमेश्वर की अमा, किया जिसने हस्ती का दरिया रवा, अब तू कहना सीख, अब तू कह मैं मानूंगा, कैत लोकी को बनाने वाले मेरे इष्ट देव मैं तेरी शरण आ रहा हूं, अब मजा आए, जब इन्हें काट, ये ना भूलना मेरी बेटी, बड़ा इनकलाबी फरमान, कईयों की बिगड़ी बन गई हमारी बनेगी, इन्हें काट, बात तो ये इन्हें काट कर, कितनी बार तो करके मेरा प्यार चाहती होगी, मैं चाहती हूं मैं पूर्ण पेन आपकी तरफ लगी रहूं, तो फिर आप भी तो ऐसा बनो ना, आप भी ऐसा करके दिखाओ, क्यों कुत्ते की तरह धक्के खाते फिरते जब मैं आपके घर में बैठी हूं, हाय भगवान नहीं कह सकते, क्यों कुत्ते धक्के खाता जब मैं तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करने वाला हूं, जब मैं तुम्हारा माता पिता बना हुआ हूं, जब मैं कल्याण का तुम्हारा ठेका ले रखा है, जब मैंने तुम्हारे लिए कस्में खा रखी है, क्या करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम, जब मैंने यहां तक भगवान कहते कह रखा है तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गम की वो मसरूर कर दूंगा मैं, क्या जवाब देंगे आप भगवान के सामने, जैसे तुम शर्मिंदा करती हो, वो कोई नारी और है, मैं नारी और हूं, मेरे वही शरीर है, वही अंग है, वही उसकी है, वही मेरे गए, वही सब कुछ है, क्यों धक्के खाते हो बाहर, मैं तो घर में आई बैठी हूं, भगवान कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए कस्में खा रखी है, देयर वाई लॉटिंग वाई वॉन्डरिंग हाय वाई रैम्बलिंग, शर्मिंदा करते हैं भगवान, उन्होंने कस्में खाई है, जैसे पत्नी अपने पति को शर्मिंदा करती है, क्यों धक्के खा रहे हो जब मैं घर में बैठी हूं, क्यों विश्वासघात करते हो, देखिए इन्हें काट कर करोगे शर्त पूरी तभी तो कल्याण होगा ना, तभी तो मेरा यहां सुनाना सफल होगा ना, ओ बाबा बड़ी दूर दूर की बातें सुनाता है तू, गीता है ही ऐसा महाशास्त्र, मेरे बस की बात नहीं, गीता शास्त्र ही ऐसा है, हाँ अभी भी मैं आ रहा था पूरी बात नहीं सुन सका, तो सब टेलीफोन उठाया ही था, कहां से, मैं रशिया से बोल रहा हूं, मैं रहता हूं इतनी दूर क्यों, मैं रहता भी यही हूं, मैं क्या करूं, मैं यहीं रहता हूं, सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूं, अच्छा तू वहां से क्यों, मैं कह रहा हूं जल्ला तू वहां से क्यों बोल रहा है, मैं रहता ही यही हूं, हाय भगवान बड़ी दूर क्यों कहती है, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, अब मुझे क्या जवाब देगा, मैं रशिया में रहता हूं, स्टूडेंट हूं यहां का, मैं हिंदुस्तान का वहीं था आपके पास आया करता, अच्छा मैं फला हूं, अच्छा तो रब जो बड़ी दूर की बातें करता, रब कहता मैं हूं ऐसा, और जब तक तू नहीं बनेगा ऐसा तो कौन सुनेगा हमारी फरियाद, देखिए बार बार कह रहा हूं मेरे सजनों मेरी देवियों, बड़ा इंकलाबी फरमान, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाओ, पहले कट फिर रब नु कहे श्री कृष्णा शरणम, कई बकवास करती है कि नहीं जब रब शरण लेंगे तो खुद ही कटा जाएगा, नहीं हो सकता, गीता का फरमान सच है, जो बाकी कहती है वो झूठ है, सच ये है जो कह रहे, इन्हें काट कर, पहले काटना पड़ता है, पहले काटना पड़ता है हाँ, फिर जाके भगवान की ओर जाना पड़ता है, पहले वैराग हाँ फिर भगवान की भक्ति, ये मत कहना पहले पहले भक्ति आई फिर वैराग जाकर, ना अभ्यास उसके बाद क्या कहा, पर वैराग है, अभ्यास और वैराग में कमाल, पहले ये कहा प्रभु ने, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, बिठा लो अपने मन में, ओ कल्याण का भी मेरे सजनों, और कल्याण का अपनी मेरी ग्रस्त रूप में आई हो मेरी बेटियों, इसको बिठा लीजिए अपने मन, इन्हें काट, ये होता कोई कोई जो कट्टे लगानी तो बड़ी आसान है, कटनी बड़ी मुश्किल है,
लगा तो लिया हमने मोह, इधर भी काम ने भी रख ली, वास्ते भी रख ली, और अब करनी है भक्ति, हाँ अब करनी है अपना कल्याण, हाँ तो रब ने कहा जो जाल फैलाई पर कट, आयो मेरे रब्बा, आये रब्बा कट्टो पहले, अगर कल्याण करके वाकई रहना और कल्याण करके इस जहाने फानी से कूच करना और सदा के लिए जाना है तो सुन लो मेरे भगवान की वाणी, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, पहुंच कर जहां से न लौटे मदाम, फिर जीनी वापस आएगा, फिर आपके गर्भ में नहीं गिरेगा कोई, अगर इनको कट दे और भगवान को फिर पुकारे तो भगवान कह रही है फिर नहीं वो आएगा जन्म मरण के चक्कर में, फिर आपको बड़ा मजा आएगा, ये के लिए बड़ा मजा आएगा, किसी का कहीं भी मन ना हो, ओ मेरी बेटी किसी का कहीं भी मन ना हो जो कोई प्यार से कह दे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, अब मजा आएगा, आपको मन मान जाएगा, नहीं ये पूर्व प्यार मेरे बने हुए हैं, कहीं भी मन ना हो और एक बार भी वो कह दे मैं बहुत प्यार करता हूं, बस मर गई, तू मर गई बिल्कुल, जिंदा ही मर गई, कोई एक बार कोई बेटी कह दी आपको मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, कहीं ना मन हो, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये तो शारीरिक प्यार है ना, और ये दैवी प्रेम जो एक बार रब को कह जिसका मन कहीं नहीं है और इतने प्यार से कह दे श्री कृष्णा शरणम, प्यार से अनेक बार न कहे और भगवान देखने का वक्त इसका मन केवल मेरे में है, कितनी सुनाई जल्दी हो जाए, जैसे शारीरिक प्यार की बातें होती है कहीं और ना हो, केवल भगवान के साथ गया हुआ हो, बड़ी जल्दी सुनाई हुई, ऐसों का जाप में मजा आता है, ऐसों का ध्यान में मजा आता है, ऐसे के सत्संग में बैठने में मजा आता है, ऐसे के अध्याय पढ़ने में लुत्फ आता है, हर्षोल्लास का ऐसा अनुभव होता है जो मुझसे बोला भी नहीं जाएगा, मैं क्या बताऊं, इतनी खुशी आती है, पर शर्त यही है मेरे देवी इतना वैराग तेज हो कि जो कुछ हमने मिट्टी पाई अपना जाल फैलाया है इन्हें काट कर, सुन लो नेक जीवो, सुन लो मेरी देवी, भगवान मेरी जबान से बारंबार कला रहे हैं, इन्हें क्या कर जो फैलाया हमने, कामनाएं वासनाएं इच्छाएं ममता और लोभ इत्यादि जो भी हमने जाल फैलाया है इन्हें काटने वैराग सी है, भगवान ने बता दिया इन्हें काट कर ढूंढ, अब ढूंढ, अब चल अपने अंदर, चल प्रातः काल, चल सत्संग में, चल इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, पहुंचकर जहां से न लौटे, एक बार फिर जी पहुंच गया फिर नहीं वापस आएगा, फिर नहीं जन्म मरण होगा, अब भगवान कहते कर रहा है, अब तू कहे क्या परमेश्वर, हे प्रभु मैं तेरी शरण लेती हूं, हे मेरे मालिक मेरे सरताज मैं आपकी शरण आया हूं, हाँ मैं आपकी शरण, मैं समझ गया मेरे प्रभु मैं किसकी शरण ले रहा हूं, किया जिसने हस्ती का, जिन्हें सारी त्रिलोकी बनाई है, जिन्हें 84 लाख योनियां बनाई है, मैं उस परमात्मा की शरण लेता हूं जिसको कृष्ण कहने में मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा आराम मिलता है, मुझे बड़ी खुशी होती है, ये जिसको राम कहने में मैं गदगद हो जाता हूँ, ये लेकर राम और कृष्ण कौन, किया जिसने हस्ती का दरिया, मेरे मालिक ने अगर मुझे प्रेरणा दी तो मैं इस पर कल फिर प्रकाश डालूंगा, नहीं तो आज आप विचार कर लेना कि ऐसी अवस्था मेरी बन रही है या नहीं, सत्संग में आ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, गीता के फॉलोअर बने हुए हो, गीता के पैरोकार हो, ऐसी अवस्था बन रही है क्या, भगवान का ये फरमान हमने सिर आंखों पे रख लिया, इन्हें काट कर जो हमने जाल फैलाया है अज्ञानता में बेवकूफी में नलायकी में कट दिया, या दिन रात काट रहे हैं इनको, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, ढूंढ कहां जहां पहुंच के फिर नहीं आएंगे, पर अगर चारों ओर से कट दिया तब फिर मेरे भगवान कहते हैं अब तू कहे, अब हमें मां मंत्र मिल रहा है क्या, श्री कृष्णा शरणम, अब तू कहे भगवान मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, अब कहे मेरी भोली भाली मैया और मेरी भोली भाली पढ़ी लिखी बेटी, अब तुझे मजा आएगा कहने का, चूंकि चारों ओर से मन हटके मन का पलड़ा भगवान की ओर हो गया, अब तू कहे प्रभु मैं पूर्ण रूपेण आपकी दासी हूं, इस अवस्था पर मीरा ने कहा था मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरो ना, क्यों ना मेरे रब सुनते, चुके उसने चारों ओर से मन हटाकर अपने इष्ट देव में लगा लिया,
दूसरा कोई नहीं मेरे प्रभु, आप मुझे देख लो, मैंने दूसरी के साथ मन नहीं लगा, राणा के साथ भी नहीं लगाया, देख लो अपने माँ बाप के साथ भी लगाया, केवल आपके साथ लगाया है, इनके साथ व्यवहार करती हूँ, भले ये मेरा इतबार नहीं करते पर मैं इनके साथ व्यवहार करती हूँ, मन तो मैंने आपके साथ जोड़ा है, देख लो मेरे प्रभु, देख लो मेरे मालिक, आए खाए आए खाए आए खाए। भक्ति की तो यही राह है, प्रेम का तो यही तकाजा है, मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे, फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा कर दे, फिर नर नारायण में चला जाता है, फिर मेरी देवी नर नारायण में समा गया, गंगा सागर में एक मेक हो गई, बाबा फिर कहे गंगा सागर में एक मेक हो गई, बाबा फिर कहे जीवात्मा भगवान में एक मेक, जरूर जाके आज देखना आप काटे जा रही हैं, चूंकि रब ने कहा, नारायण ने कहा, हमारे इष्ट देव ने कहा, इन्हें काट, फिर कहे मुझको परमेश्वर की हार्दिक को धन्यवाद, हार्दिक मेरी देवियों हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे, दास जनों के अवगुण था।
भवन सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।